फ्रेंड वेलकम टू केकेडी करियर वर्ल्ड चैनल। तो आज जो न्यूज़ लेके मैं आ रहा हूँ वो है आरबीआई ऑफिस अटेंडेंट के रिजल्ट दो जो 2020 में एग्ज़ाम कंडक्ट हुई थी, लेकिन अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया। तो ये रिज़ल्ट को लेकर स्टूडेंट काफ़ी परेशान है, तो वो भी परेशानी उठा रहा है एवं और रिज़ल्ट सर्च करते चला रहा है यूट्यूब पर और गूगल पर, लेकिन कोई भी सटीक अपडेट उनको नहीं मिल रहा है। तो बहुत सारी वीडियो है यूट्यूब पर, आपको मिल जाएगा, लेकिन कोई भी करेक्ट डेट नहीं बता पा रहा है। तो घुमा फिरा वो गिरता जा रहा है, लेकिन अभी तक कोई अपडेट नहीं निकल के नहीं आ रहा है। तो जनरली आरबीआई ऐसे लेट नहीं करता, तो जो एग्ज़ाम होता है उसके 30 डेज और 1 महीना के एंड के अंदर अंदर वो रिज़ल्ट निकल देती है, लेकिन इस बार कोविड पैंडमिक की सिचुएशन में तो वो रिज़ल्ट नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि जो उसका जो स्टाफ है तो काफ़ी आप लोगों को मालूम है, तो न्यूज़ पर आप लोग देख रहा है, जो सरकारी कर्मचारी है कोविड कोविड अफेक्टेड हुए हैं, तो ज़्यादातर बैंक के ही कोई एम्प्लॉयज़ है जो अफेक्टेड हुए हैं। तो आरबीआई के जो स्टाफ है वो काफ़ी काफ़ी अफेक्टेड हुए हैं, तो जो स्टाफ ना आने की वजह से जो रिज़ल्ट है वो प्रोसेसिंग पे काफ़ी लेट चल रहा है। तो आप ऑफिशियल वेबसाइट पे आप जाएंगे तो वहाँ पर लास्ट जो अपडेट आया था मई 10 में 2021, ये जो अपडेट आ रहा था, जो ये किसका रिजल्ट है ये आप देख रहे हो, रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट 2019, डिस्प्ले रोल नंबर्स, फाइनली सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, अपॉइंटमेंट इन द बैंक भोपाल एंड रायपुर ऑफिस। इसके पहले जो एग्ज़ाम कंडक्ट हुए थे उसका रिजल्ट 10 मई तक ही आया था, और 10 मई के बाद कोई अपडेट निकल कर नहीं आ रहा है। तो आप जो जेन्युइन न्यूज़ के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करते रहिए, और आपको यहीं पे ही अपडेट मिल जाएगा। अगर कोई नोटिस निकलता है तो हमारे चैनल पे हम पहले आपको अपडेट तो कोई भी अपडेट आएगा तो पहले ये चैनल पे आप लोग मिल जाएगा। तो अभी तक कोई नोटिस नहीं आ रहा है, तो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि मैं तो ख़त्म हो गया, 31 में रिजल्ट निकलेगा। जो ये जो अफवाह फैला हुआ है तो ये सटीक नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी नोटिस नहीं अभी तक जारी हुआ है। तो ये कुछ वेबसाइट और कुछ पेज है, जो वेब पेज है वहीं पर ही सिर्फ दिख रहा है, इसका कोई ऑफिशियल प्रूफ नहीं है। तो आप लोग इस पे मत जाइए, तो आप लोग ऑफिशियल वेबसाइट के न्यूज़ देखने के बाद ही आप लोग सटीक खबर जान पाओगे। तो एक नोटिस ज़रूर आएगा जो ये बताएगा कि रिजल्ट क्यों नहीं आया अभी तक, और जो एग्ज़ाम है आरबीआई के नेक्स्ट जो रिक्रूटमेंट निकाली थी तो वो क्यों नहीं कॉन्डक्ट हुआ और रिजल्ट क्यों डिले हो रहा है। तो इस कॉज को लेकर एक नोटिस आएगा, लेकिन अभी तक रिजल्ट का डेट आप नहीं पाओगे और कोई भी नोटिस ऐसा नहीं आएगा। ये चलता रहेगा, ये पूरा जून चलेगा, जुलाई तक आपका रिजल्ट आने का संभावना है। तो चलिए देखते रहिए और ऑफिशियल वेबसाइट हमेशा चेक करते रहिए।